कुछ लोग सोचते हैं मुक्ति में बहुत समय लगेगा। इस एक जन्म में मुक्ति होगी या नहीं होगी, कितना समय लग जाता है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, कितना समय लगता है कि उस समय तक हम मान ले कि इस समय के अंदर मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति में कुछ भी समय नहीं लगता। उन्होंने कहा, राजा जनक ने, कि जब तक घोड़े की पैर में रकाब में पैर रखें तब तक जीवन मुक्ति, कुछ पल में ही जीवन मुक्ति। जब तक वृक्ष से पत्ता टूट करके गिरे तब तक उतने समय भी जीवन मुक्ति। राजा परीक्षित, एक सप्ताह के अंदर मुक्ति, तो कोई समय निश्चित नहीं है। ये एक पल में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, एक सप्ताह में भी हो सकता है, एक वर्ष में भी हो सकता है, और 100 वर्ष में भी न हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये नियम नहीं कितने समय में इतना जाप करने से आप जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले मुक्ति के लिए आप गुरु की तलाश कीजिए। जब तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलेंगे आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। आप कितना भी घूमते रहें, कितना भी प्रयास करें, कैसे भी हाथ पैर मारें, जब तक पूर्ण गुरु आपको प्राप्त नहीं होते, पूर्ण गुरु नहीं मिल जाते, तब तक जीवन मुक्ति लगभग असंभव है। कोई एकाध मामले में हम, वो तो रेयर हो ही जाता है, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो सबसे पहला कदम होगा यही होगा। पहले उसकी तलाश करो, फिर अपना सब कुछ समर्पण करो, अहंकार को भी, मन को भी, इंद्रियों को भी, स्वाभिमान को भी, इच्छाओं को भी, जो आपने ये कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा है इसको भी, जिसको संसारिक लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, इनको भी। जब आप सब कुछ समर्पण कर दोगे उनके चरणों में, अपना कुछ भी बचा करके नहीं रखोगे, जब सब कुछ उनका हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा, तो फिर वो आपको रास्ता दिखाएंगे, फिर वो आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको हरि के चरणों तक ले करके जाएंगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपकी पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको मजबूत करेंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जगाएंगे, आपको योग क्रिया सिखाएंगे, ध्यान करना सिखाएंगे, आपका हाथ पकड़ के दरबार तक ले करके जाएंगे। वो निर्भर करता है फिर आपके ऊपर, आपका जितना समर्पण होगा आपकी उतनी ही चढ़ाई स्पीड से होगी। अगर आपके समर्पण में कमी रही या पूर्ण गुरु नहीं हुआ तो फिर आप संसार में ही रह जाओगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मुक्ति, जो लोगों द्वारा ये भ्रम पैदा कर दिया गया कि इतना आसान नहीं हो सकती, कैसे होगी ये मुक्ति, कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे परमात्मा नहीं मिल सकते, परमात्मा मिलना ऐसा इतना सरल काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है परमात्मा की प्राप्ति होना, तो जब आप इन चीज़ों को सोचोगे, समझोगे, समर्पण करोगे, भाव को मजबूत करोगे, तो समझ लेना आप हो गए जीवन मुक्त। तो कोशिश करो कि आपको योग्य गुरु मिल जाए। सबसे पहले आप गुरु की तलाश करो। इस धरा के ऊपर गिनती के गुरु हैं, आप तलाशते रहो, आगे बढ़ते रहो, और कभी न कभी तो परमात्मा की, गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस ही जाएगी।